आज हम बनाएंगे थेपला। थेपला एक लोकप्रिय गुजराती व्यंजन है। इसे गेहूं के आटे से और घर में आसानी से मिल जाने वाले मसालों से बनाया जाता है। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप इसे लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि ये 5 से 6 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो बनाते हैं थेपला। तो थेपला बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है 7 से 8 लहसुन, 4 हरी मिर्ची, 1 चम्मच जीरा। अब हमें इन तीनों चीजों को दरदरा कूट लेना है। तो ये तीनों चीजें कूट गई हैं। अब हमें इसे साइड में रख देना है। अब हमें लेना है 2 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप बेसन, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच सांभर मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 2 चम्मच कसूरी मेथी पाउडर, 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हमें हाथों से अच्छे से क्रश करके इसमें डालना है, जिससे कि अजवाइन का इसमें अच्छा टेस्ट आ जाएगा। 10 से 12 करी पत्ते बारीक कटे हुए। अब हमें इसमें बनाया हुआ लहसुन, अदरक और जीरे का पेस्ट डाल देना है। अब हमें इसमें डालना है 1/2 चम्मच काला नमक, 2 से 3 चम्मच दही, 1/2 नींबू का रस, 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डाल देना है। आप सरसों के तेल की जगह पर रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इन सभी चीजों को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब सारी चीजें आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को गूंथ लेंगे। तो अभी सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अभी हमें नॉर्मल पानी से आटे को गूंथ लेना है। और इतने आटे से हमारे 12 से 15 थेपले बन करके रेडी हो जाएंगे। तो आटा यहाँ पर गुद गया है और आटे को हमें रोटी के आटे के जैसा ही एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। तो अब हमें इससे लोइयां काटनी है। तो हमें इससे नींबू के आकार की लोइयां काट लेनी है। लोइयां काट लेने के बाद हमें इसे अब बेल लेना है। तो बेलने के लिए यहाँ पर हमने लिया एक पेड़ा और पेड़े के ऊपर हमें सूखा आटा लगा देना है। सूखा आटा लगा देने के बाद हमें इसे बेल लेना है और हमें इसे बहुत पतला बेलना है। पतला बेल लेने से ये खाने में बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और जितना पतला हम इसे बेलेंगे, उतने दिन तक ये ज़्यादा चलते हैं। इस रेसिपी को आप चाय के साथ, दही के साथ, अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर हमने थेपले को सभी तरफ से बिल्कुल बराबर और बिल्कुल पतला बेल लिया है। तो इस तरह से हमें अपने सारे थेपलों को बिल्कुल पतला पतला बेल लेना है।
तो यहाँ पर हमारे थेपले मिल गए। तो अब हमें थेपलों को सेक लेना है। तो सेकने के लिए हमें पैन को हल्का गर्म कर लेना है और गैस की फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पर थेपले को इसमें डाल देना है। डाल देने के बाद हमें इसे एक तरफ से सिकने देना है। जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तो हम इसे पलट लेंगे। तो ये अभी एक तरफ से सिक गया है, हमें इसे पलट लेना है। अब इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है और सभी तरफ ऑयल को अच्छे से फैला देना है। थेपले को सेकते समय हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहला कि हमें थेपले को सभी तरफ से दबा दबा करके सेकना है और दूसरा गैस की फ्लेम को हमें हाई करके सेकना है कि जिससे कि थेपले बिल्कुल सॉफ्ट बने रहेंगे, ये बिल्कुल टाइट नहीं होंगे। तो इस तरह से हमें अपने सारे थेपलों को सेक लेना है। तो यहाँ पर हमारा एक थेपला रेडी हो गया है और इसी तरह से हमें अपने सारे थेपलों को रेडी कर लेना है। तो रेडी है हमारा थेपला। तो यहाँ पर हमारे सारे थेपले बिल्कुल सॉफ्ट बन करके रेडी हो गए हैं। तो आप इसे चाय के साथ में, अचार के साथ में, दही के साथ में सर्व कर सकते हो और आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में भी सर्व कर सकते हो। आप इस गुजराती थेपले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और बनाने के बाद अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।